मेरे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में फास्ट रिवीजन पार्ट वन किया था और उसमें हमने चैप्टर वन से लेके और चैप्टर एट तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किए थे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नाइन से लेके और चैप्टर 16 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो कि हमने चैप्टर नाइन से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि राइट फर्स्ट फाइव टर्म्स, राइट द फाइव टर्म्स। तो फाइव टर्म्स हमें राइट करनी है ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय, यहां पे गिवन है हमारे पास A1 इज इक्वल टू 3 एंड An दैट इज इक्वल टू 3 An माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बिलो। तो ये जो सीक्वेंस गिवन है जिसकी nth टर्म हमें यहां से मिलेगी इसकी फर्स्ट फाइव टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 है ही है, फर्स्ट टर्म तो 3 होगी तो हमें फर्स्ट फाइव कैलकुलेट करनी है और n इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए हमें ये कंडीशन यूज करनी है। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म ए टू 3a 2 माइनस 1 प्लस 2। अब देखो 3a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, 3 की 3 के साथ प्लस 2 ये 9 प्लस 2 यानी कि 11, तो सेकेंड टर्म आ गया हमारे पास 11। इसी तरह से 4n इज इक्वल टू 3 a3 रख देंगे इसके अंदर, हमें इसके अंदर वैल्यू रखनी है बस और सॉल्व करते चल रहे 3a2 प्लस 2। अब 3 a2 की वैल्यू हमारे पास 11 है प्लस 2 तो ये 33 प्लस 2 ये हो जाएगा 35, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। ठीक इसी तरह से 4n इज इक्वल टू 4 a4 फोर्थ टर्म इसमें रख देंगे 3a 4 माइनस 1 3 हो जाएगा प्लस 2 तो 3 इंटू ये 35, a3 की वैल्यू हमारे पास 35 है प्लस 2 105 प्लस 2 तो 107 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 4n इज इक्वल टू 5 a5 ये हो जाएगा 3a4 प्लस 2 मीन्स 3 इंटू ए 4 है हमारे पास 107 प्लस 2 ये 21 और ये 3 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 323। तो हमारे पास फर्स्ट फाइव टर्म्स आ जाएंगी, a1 है हमारे पास 3, a2 है 11, फिर 35, फिर 107 और 323, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है इफ ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन डिवाइड बाय ए रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन है मीन बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो ये हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है, क्या चीज गिवन है, गिवन ये जो है इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन है कि अर्थमेटिक मीन है, तो अगर ये अर्थमेटिक मीन है ए और बी का तो हम लिख सकते हैं कि ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन डिवाइड बाय ए रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो
तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन हुआ, लेकिन उसने कहा कि ये है अर्थमेटिक मीन, तो यहां से इसको सोल्व करके एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a^n प्लस 2b^n, दैट इज देखो a की इसका मल्टीप्लाई करेंगे a^n, ये n माइनस वन था और ये a है, तो देखो a^n-1 की जब a के साथ मल्टीप्लाई की, बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी, n-1+1 तो a^n पूरा हो जाएगा, तो ये a^n प्लस इसकी इसके साथ की तो ab^n-1, अब इसकी b के साथ करेंगे an-1b और इसकी इसके साथ करेंगे तो b^n। अब देखो इसको ये 2a^n है, ये a^n है, इसको इधर ले आएंगे तो a^n रह जाएगा, ये 2b^n और ये b^n है, इसको इधर ले जाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, तो ये b^n रह जाएगा, यहाँ पे रहेंगे abn-1 प्लस a^n-1 into b। अब इसको तो उधर ले गए a^n-1 पावर और इसको इधर ले आएंगे तो a^n-a^n-1b, इसको उधर ले गए। अब ab^n-1 - b^n, इसको इधर ले आएंगे। अब देखो a^n a^n-1, ये 1 कम है इससे, तो दोनों में से जो कॉमन होगा वो कौन होगा, जो कम होगा वो कॉमन आता है, जैसे हमें x³ + x² लिखना है तो इसमें से x² कॉमन निकालते हैं क्योंकि दोनों में से कम x² है, तो यहाँ पे 1 पावर रह जाएगी, यानी कि x^1 रह जाएगा और ये सारा बाहर चला जाएगा, तो इन दोनों से a^n-1 कॉमन आ जाएगा, ये वाला इससे एक ज्यादा था तो एक पावर बच जाएगी, यानी कि a बच जाएगा, a^1 यानी कि a ही बच जाएगा, ये सारा बाहर चला गया तो b आ गया। यहाँ पे इसी तरह से ये काम b^n-1 के लिए, यहाँ पे a रह गया और माइनस बी, तो ये इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, a^n-1 दैट इज इक्वल टू b^n-1। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके डिवाइड में ले आते हैं, a^n-1/b^n-1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो ये सिचुएशन बन जाएगी, या फिर ये कह दो कि डिवाइड कर दिया b^n-1 से दोनों साइड में। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं a/bn-1 क्योंकि दोनों की पावर n-1 है और यहाँ पे ये 1 है, तो मैं इस 1 को अगर लिख दू a/b^0, तो किसी भी टर्म की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे, यानी कि n-1 = 0 तो n = 1, तो ये हमारे पास है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें कहा गया है द 5th, 8th and 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली। 5th टर्म जीपी की, 8th टर्म और 11th टर्म, ये गिवन है हमारे पास क्या, पी क्यू और एस, शो दैट q² = PS, ये हमें शो करना है। ये टर्म्स किसकी है, जीपी की है, इसकी टर्म है ये जीपी की है। अब देखो इससे 5th टर्म यानी कि a^r^4 that is equal to P, इसको 1 मान। 8th टर्म a^r^7 ये क्या हुआ है 2, और a^r^10 ये s है 3। यहां से अब आप देखेंगे इसके दो पार्ट बनाते हैं, इसके डिवाइड में ये करते हैं ऑपरेटिंग 2/1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि a^r^7 / a^r^4, यहां q/p आ गया, a कैंसल, r^4 r^7 यानी कि r³ आ गया, q/p, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। इसी तरह से
ऑपरेटिंग थ्री डिवाइड बाय टू, थ्री को टू से डिवाइड कर दिया, ए आर एस टू पर टेन डिवाइड बाय ए आर एस टू पर सेवन, और ये एस डिवाइड बाय क्यू, ए कैंसिल हो गया, ये सेवन है ये टेन है तो आर क्यूब रह गया, ये एस डिवाइड बाय क्यू हो गया, ये हमारे पास फाइव आ गया। अब देखो ये भी आर क्यूब है ये भी आर क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव, इक्वेशन और फोर और फाइव से, तो क्यू डिवाइड बाय पी और एस डिवाइड बाय क्यू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा और ये पी एस आ जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, बस जो आपको कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बात करें अगर क्वेश्चन नंबर फोर की, तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास फाइंड द सम टू एन टर्म, यानी कि एस एन कैलकुलेट करने, सम टू एन टर्म किसका, एट प्लस एट एट प्लस एट 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 एंड सो ऑन, एन टर्म का सम फाइंड करना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है इसमें से पहले अगर ये वन के अलावा कुछ भी है, वन वन के अलावा कुछ भी है तो उसमें से वो कॉमन ले ले, एट हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया वन प्लस वन 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 एंड सो ऑन, कितनी टर्म्स के लिए, एन टर्म्स के लिए, ये भी एन टर्म्स के लिए, तो इसका हमने सम करना है। अब क्या किया, इसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइन से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एट डिवाइड बाई नाइन, ये नाइन प्लस नाइन नाइन प्लस नाइन 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 एंड सोल, कितनी टर्म है ये, एन टर्म्स के लिए। अब एस एन एट डिवाइड बाई नाइन, इस नाइन को लिखा टेन माइनस वन, नाइनटी नाइन को लिखा हंड्रेड माइनस वन, इसको लिखा वन थाउजेंड माइनस वन एंड सोल, एन टर्म्स के लिए, एन टर्म्स के लिए। अब एस एन दैट इज इक्वल टू एट डिवाइड बाई नाइन, अब देखो टेन प्लस हंड्रेड प्लस थाउजेंड प्लस, ये तो कर लिए सारे, फर्स्ट फर्स्ट तो कर लिए सारे एक में इकट्ठे, और बाकी क्या बचा, प्लस माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड सोन, ये सारे कर लिए एक में इकट्ठे, ये भी एन टर्म्स है और ये भी एन टर्म्स है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, ये एक जीपी है, इसकी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू टेन है और आर हंड्रेड डिवाइड बाय टेन, ये भी टेन ही है हमारे पास, हंड्रेड के डिवाइड बाय टेन और टर्म एन है तो एन की वैल्यू तो एन ही है, और देखो ये एन टर्म्स है, मान लो माइनस वन माइनस वन माइनस वन थ्री टाइम हो तो माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन और माइनस वन फाइव टाइम हो तो माइनस फाइव हो जाएगा, और एन टाइम हो तो माइनस एन हो जाएगा। अब यहाँ पे एस एन दैट इज इक्वल टू एट डिवाइड बाय नाइन, अब देखो ये सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, एस एन ए आर एस टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, क्योंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो ये फॉर्मूला है। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, टेन, अंदर आर की वैल्यू टेन, एन तो एन ही है, माइनस वन डिवाइड बाय टेन माइनस वन, अब यहाँ पे प्लस, लेकिन यहां से देखो आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो इससे कितना मिलेगा, माइनस एन मिलेगा, अगर ये थ्री टाइम है तो माइनस थ्री है, फाइव टाइम है तो माइनस फाइव है, एन टाइम है तो माइनस एन है, तो ये माइनस एन हो गया, बस ये हमारे पास आंसर आ गया। टेन माइनस वन को क्या लिख देंगे नेक्स्ट लाइन पे, लाइन नहीं लिख देंगे बस, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये सेवन 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 होते तो सेवन कॉमन ले लेते, अगर ये नाइन 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 होता है फिर तो कुछ जरूरत नहीं था, फिर तो यहीं से स्टार्ट होता हमारा क्वेश्चन, हमें क्या करना है, नाइन नाइन ही तो बना रहा है इसको, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर फाइव की, क्वेश्चन नंबर फाइव में है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स
फॉर विच द पॉइंट्स 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 हैं एक्स माइनस वन टू वन एंड फोर फाइव आर कोलिनियर। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, तो इसमें से सबसे एक आसान तरीका क्या है? इनके सम ऑफ इक्वल दिखा दो। अभी तीन थ्री पॉइंट्स हैं, तो हम इनको इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम इसको लिख दें ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो पॉइंट है हमारे पास एक्स माइनस वन टू वन और फोर फाइव। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम लिखेंगे सिंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ ए बी, ए बी की जो लाइन सेगमेंट की जो स्लोप है वो स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होगी। बी सी, अब स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ए बी के लिए वन वन माइनस 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 प्लस वन हो गया और टू माइनस एक्स यहां पे फाइव माइनस वन और ये फोर माइनस टू, फोर माइनस टू ये टू डिवाइड बाय टू माइनस एक्स और ये हमारे पास आ गया फोर डिवाइड बाय टू। तो यहां से आप कैंसिल करना चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, टू डिवाइड बाय टू माइनस एक्स दैट इज, ये कैंसिल करेंगे तो टू आ जाएगा टू डिवाइड बाय वन, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो फोर माइनस टू एक्स दैट इज इक्वल टू टू, इसकी की फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स दैट इज इक्वल टू टू माइनस फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस हटा देते हैं हम यहां से, एक्स इज टू डिवाइड बाई टू यानी कि वन, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन। एक्स की वैल्यू वन के लिए ये जो पॉइंट्स हम कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, और क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस थ्री फाइव। इस पॉइंट से पास कर रही है जो लाइन है, माइनस थ्री फाइव से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट टू फाइव एंड माइनस थ्री सिक्स। अब जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो माइनस थ्री और फाइव से पास कर रही है और उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो इस इन पॉइंट से पास कर रही है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहां पे हम टू फाइव ले लेते हैं, यहां पे हम माइनस थ्री सिक्स ले लेते हैं और हमारी वाली जो लाइन है ये जो पॉइंट है इससे तो पास कर रही है, इससे तो पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इस पॉइंट को हम P मान लें और इनको A और B मान लेते हैं, तो पहले स्लोप ऑफ लाइन A भी निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या फॉर्मूला होता है? वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहां पे सिक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई माइनस थ्री और माइनस टू, सिक्स डिवाइड बाई सिक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई माइनस थ्री माइनस टू, यहां से तो वन आ गया और ये वहां से माइनस फाइव आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन आ गई ए बी की क्या? माइनस वन बाई फाइव। और जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो लाइन की इक्वेशन बनानी है, वो इस पे परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है, रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी? फाइव आ जाएगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर पैरेलल होती तो यही आ जाती एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिस थ्रू द पॉइंट, और जो रिक्वायर्ड लाइन है कहां से पास करी है? पासिस थ्रू द पॉइंट माइनस थ्री और फाइव। सो
रिक्वायर्ड लाइन इज क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू है फाइव, वाई वन की वैल्यू है हमारे पास फाइव, दैट इज एम की वैल्यू भी हमारे पास फाइव है, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू माइनस थ्री है तो प्लस का थ्री हो गया, तो वाई माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन हो गया। अब यहां से कैसे करें इसको, इनको भी इधर ले आते हैं, तो फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन तो था यहां पे, माइनस का वाई और प्लस का फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो हो गया। यहां से हम उसको लिख सकते हैं फाइव एक्स माइनस वाई प्लस ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स माइनस वाई प्लस ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो ये पॉइंट इसके अंदर पुट करके देख लो, एक्स की जगह पे माइनस थ्री रखा माइनस फिफ्टीन हो गया, वाई की जगह पे फाइव रखा तो माइनस फाइव हो गया, और प्लस ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू जीरो, माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, तो सही है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, गिवन लाइन हमारे पास क्या है, गिवन लाइन, गिवन लाइन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल है, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस टू थ्री। तो प्यारे बच्चों इस लाइन के पैरेलल गिवन लाइन है, तो इस लाइन के पैरेलल कोई भी अगर लाइन होगी तो उसका सिर्फ कॉन्स्टेंट चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, गिवन लाइन इज क्या होगी, 3x माइनस फोर वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसकी जगह पे हमने k लिख दिया। अब इस k की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या दे रखा है, k पॉइंट से पास कर रही है, किससे, माइनस टू थ्री से, तो ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो हम लिखेंगे कि सिंस रिक्वायर्ड लाइन रिक्वायर्ड मतलब जिसका आंसर हमें बनाना है, पासिस थ्रो पॉइंट माइनस टू थ्री, दिस इंप्लाइज ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो, एक्स की जगह पे माइनस टू रखा था ये माइनस के सिक्स हो गया, वाई की जगह पे थ्री रखा था ये माइनस के ट्वेल्व हो गया, एक्स की जगह पे टू रखा तो माइनस के, एक्स की जगह पे माइनस टू रख दिया तो ये माइनस के सिक्स हो गया, वाई की जगह पे थ्री रखा तो माइनस के ट्वेल्व प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस एटीन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमारे पास के इज इक्वल टू एटीन। अब इसको हम अगर स्टार मान लें, कोई भी नाम दे दें, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन स्टार, के की वैल्यू रख दो थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस एटीन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये इसका आंसर आ जाए। तो प्यारे बच्चे एक तो तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये होगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ये भी हो सकता है, जो ये लाइन गिवन है इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख दो, तो इससे स्लोप आ जाएगी और पॉइंट हमारे पास है ही माइनस टू थ्री, क्योंकि जो लाइन हमें निकालनी है वो इसके पैरेलल है, तो जो इस लाइन की स्लोप होगी वही हमारे वाली लाइन की स्लोप होगी, तो स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फाइव पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर एट की,
तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 0। और इसमें पूछा गया है कि फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल गिवन है इसका सेंटर और इसकी रेडियस निकालना है। तो हम लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है एक्स के साथ जो लगा होता है उसका आधा साइन चेंज करके माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसी तरह से माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो देखो माइनस हाफ कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 4 और इसी तरह से माइनस हाफ कोफिशिएंट वाई का ये है माइनस 8। तो ऐसे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया इसके साथ कटके 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया इसके साथ कटके 4 आ जाएगा। इसको भी छोड़ो आप बिल्कुल आसान सी भाषा में समझते हैं, x के साथ जो लगा हुआ उसका आधा लिख दो साइन चेंज करके, x के साथ है माइनस 4 उसका आधा माइनस 2 साइन चेंज करके 2, ये माइनस 8 उसका आधा माइनस 4 साइन चेंज करके 4। तो ये आ गया सेंटर। अब रेडियस, रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इसका स्क्वायर प्लस माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर और माइनस c मतलब कांस्टेंट है जो उसमें। अब देखो ये माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट तो निकाला है हमने, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस तो पहले ही है फॉर्मूले में, c की वैल्यू देखो कितनी है, ये है माइनस 45 तो ये प्लस 45 हो जाए। तो ये आ गया हमारे पास 2 से 4, 4 से 16 और ये हमारे पास 45, तो 45 फोर 20 ये हमारे पास 65 हो गया यूनिट्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सर्कल की सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। तो एक बात ध्यान रखोगे, अब ये कोफिशिएंट है दोनों के पहले के बाद सेम होते हैं और ये 1 होने चाहिए। मान लो यहां 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लिखा होता तो पहले आप 4 से डिवाइड करते, सेंटर निकालने के लिए x के साथ जो लगा हुआ है उसका आधा साइन चेंज, y के साथ जो लगा हुआ उसका आधा साइन चेंज, रेडियस के लिए उनके स्क्वायर्स माइनस कांस्टेंट पार्ट, अगर कांस्टेंट पार्ट नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव रह जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। हमारे पास एक कर्व गिवन है, इसमें कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये पैराबोला हमें गिवन है, हमें इसका फोकस निकालना है, इसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो प्यारे बच्चों हमारे पास चार तरह से पैराबोला होते हैं। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंडेड पैराबोला, और वाई स्क्वायर है और नेगेटिव है राइट साइड में तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। अगर एक्स स्क्वायर है और पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और एक्स स्क्वायर है और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये चार केसेस है। अब देखो वाई स्क्वायर है और पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास ये कैसा है, राइट हैंडेड पैराबोला है।
सर इनका सभी का वर्टेक्स जीरो जीरो पे होता है, अगर वो वर्टेक्स भी पूछे तो आप जीरो जीरो लिख सकते हैं। अब देखो फोकस यहां पे होगा ए जीरो। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट हैंडेड की ये है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इसको कंपेयर किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, वाई स्क्वायर के इक्वल एक्स, एक्स के इक्वल, तो 4a किसके इक्वल हो गया 12 के इक्वल हो गया, तो a किसके इक्वल आ गया 12 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3। फोकस होता है हमारे पास a0, ये a है a0, a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 30 हो गया। एक्सिस किसके सिमेट्रिक अमाउंट, एक्स एक्सिस की, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस, या इसको आप वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, यह है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स जितनी दूर ये है इतनी दूर इधर होगा, ये a है तो ये x इज इक्वल टू माइनस ए है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3 क्योंकि a की वैल्यू माइनस 3 है, या आप इसको लिख सकते हो x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a, तो 4 इंटू ए, ए की वैल्यू है 3 तो ये आ जाएगा 12, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आपके पास किसी भी प्रकार का पैराबोला है, मान लो लेफ्ट हैंडेड है तो ऐसे बन जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा माइनस ए जीरो पे, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए, एक्सिस वही एक्स एक्सिस रहा और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a ही है। मान लो अपवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स तो 0 0 पे ही रहेगा, फोकस यहाँ पे आ जाएगा 0 और a, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी वाई इज इक्वल टू माइनस ए, लेटेस्ट जो एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही 4a रहनी है। अगर ये डाउनवर्ड हो जाता है तो इसका फोकस आ जाएगा माइनस ए, सॉरी 0 और माइनस ए पे, 0 और माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स यहां हो जाएगी वाई इज इक्वल टू ए, तो लेंथ ऑफ एक्सिस वाई एक्सिस ही रहेगा और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a रहेगा, तो सेम सा स्टेप है, कोई ज्यादा साइन में चेंज नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है। टू पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, 3 और 5 और एक पॉइंट दिया हुआ है 4, 3 और 1, इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये 2D की बजाय 3D में हो गया, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट भी आ गया, तो इनके बीच में डिस्टेंस ये A पॉइंट मान लेते हैं और ये B, तो हम निकाल देते हैं डिस्टेंस ए बी, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन इट्स होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन इट्स होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन इट्स होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर और 3 माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इट्स होल स्क्वायर, ये 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 0 का स्क्वायर 0 ही, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया हमारे पास 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये 2√5 यूनिट्स, तो ये आ गई डिस्टेंस ए बी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास लिमिट से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, यहां पे है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक तो है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4, एक पार्ट तो ये हो गया। ठीक इसी तरह से एक पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाय ए एक्स प्लस
साइन बी एक्स। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं इसके अंदर, क्या बनेगा, 3 इंटू टू का स्केयर 4, 3 का स्केयर 4, तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, माइनस 2 और माइनस 10, यहाँ पे 4 माइनस 4, ये 0/0 फॉर्म हो गया। तो इसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको दोबारा से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x स्केयर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाई x स्केयर माइनस 4। तो या तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, या रैशनलाइज करना पड़ेगा, या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, 3x स्केयर माइनस x माइनस 10 के बना लेते हैं पहले। यहां पे देखो इसको लिखेंगे 3x स्केयर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, 3x कॉमन x माइनस 2, प्लस के 5 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 और ये 3x प्लस 5। इसको हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 और ये 3x प्लस 5, इसके ही बन जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट करोगे 3 की 2 के साथ, क्योंकि x टेंड्स टू 2 है, तो 6 प्लस 5 और ये 2 प्लस 2, तो ये 11 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यही बात ध्यान रखोगे कि 0/0 फॉर्म बनती है, तो हम क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करें या फिर रैशनलाइज करें या फिर फैक्टर बनाए, इस तरह से करेंगे, कुछ ना कुछ हमें यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक्स की जगह पर 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, ये भी एक्स की वजह से 0, ये भी एक्स की वजह से 0 और साइन 0 0 होता है, तो ये तो 0/0 फॉर्म है, फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स डिवाइड बाय एक्स, बी एक्स डिवाइड बाय एक्स, ए एक्स डिवाइड बाय एक्स और साइन बी एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब आप देखिए ये एक्स कैंसिल हो गया और ये एक्स कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस बी और ये ए प्लस साइन बी एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स 1 होता है, जो यहां पे टर्म है वही यहां पे होनी चाहिए। अब देखो यहां पे ए एक्स है तो यहां पे भी एक्स लाना पड़ेगा, तो यहां ए लगा देते हैं, यहां पे भी ए लगा दिया, अब ये वाला जो पार्ट है वो 1 हो गया, यहां पे बी लगा दिया तो यहां पे भी बी लगा दिया, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो लिमिट पुट की तो ए इंटू 1 प्लस बी आ गया और ये ए प्लस बी इंटू 1 आ गया, तो ए इंटू 1 यानी कि ए प्लस बी और ये ए प्लस बी, ये इसके साथ कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें इसको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। वैसे तो हमें पता है कि कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन हमें इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। अब देखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ये है। अब देखिए आप एफ एक्स तो हमारा कोस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, कोस एक्स प्लस एच, रख देते हैं ये वैल्यू इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0
x प्लस एच माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय एच। अब आप अभी इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये h की जगह पे जीरो रखोगे तो कोस एक्स माइनस कोस एक्स जीरो और h भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये होता है टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय टू, और साइन सी माइनस डी डिवाइड बाय टू लिखोगे तो आगे माइनस लगा दोगे, और अगर डी माइनस सी डिवाइड बाय टू लिखोगे तो आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम माइनस आगे लगा लें क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर तो माइनस साइन एक्स आना है। तो यहां पे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन दोनों का प्लस एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाय टू, और साइन दोनों का डिफरेंस एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाय टू और डिवाइड बाय एच आ जाएगा। अब देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन ये आ जाएगा टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाय टू, और ये साइन एच डिवाइड बाय टू, और इसके डिवाइड में एच है। यहां पे पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, देखो वही फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स वन होता है, तो ये एच बाय टू है तो यहां पे टू लगा देते हैं और यहां पे टू लगा देते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है वो वन हो जाएगा, अब बाकी में लिमिट पुट कर दो। अब देखो माइनस टू इंटू साइन एच की जगह पे जीरो आएगा टू एक्स डिवाइड बाय टू एक्स आ गया, इंटू ये हमारे पास वन है और डिवाइड में टू हमारे पास है ही है, इसके पार्ट का नाम का वन बन गया, टू लिख दिया एच की जगह पे जीरो आ गया तो ये मिला, इसके साथ ये कैंसिल हो गया तो यहां पे हमारे पास माइनस साइन एक्स आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आप बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको भी फाइव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, और फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और 40 टू 50, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 8, 15, 16 और 6। फ्रीक्वेंसी एफ आई लिख सकते हो या एफ लिख सकते हो। क्या निकालना है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो मीन क्या होता है, मीन यानी कि एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन, या फिर नीचे भी सिग्मा एफ आई लिख देते हैं, एन तो ये है एफ आई का टोटल 13, 28, 28 से 34, 44 और ये 50 हो जाएगा। अब यहां से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट वो हमारा एक्स आई हो जाएगा, दोनों का प्लस डिवाइड बाय टू 5, 15, 25, 35 और ये 45। अब एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, एफ आई एक्स आई इसके इसके साथ करेंगे तो 25 ये आ जाएगा 120, नेक्स्ट 75 से 5 37, 80 0 560 और ये आ जाएगा हमारे पास 270। यहां से इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, एन इज 50, 45 की 90 से 270 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको प्लस करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई
एन जीरो वन वन और टू थ्री फाइव फाइव और सेवन ट्वेल्व ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फाइव से फाइव टू टू थ्री सिक्स सिक्स और फाइव इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो ये आ गया हमारे पास 1350। अब हम क्या करेंगे इसका मीन निकाल देंगे 1350 डिवाइड बाय 50 था हमारे पास ये तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 पे करेंगे 2 और 7 पे आ गया तो ये आ गया हमारे पास 27 तो x बार आ गया हमारे पास 27। अब हम क्या करेंगे वेरिएंस का फॉर्मूला ले लेते हैं। वेरिएंस क्या होता है जिसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये हमें कैलकुलेट करना है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार है 27 फाइव माइनस 27 माइनस 22 15 माइनस 27 माइनस 12 25 माइनस 27 माइनस 2 35 माइनस 27 8 और 45 माइनस 27 18। अब हमें क्या करना है इसका स्केयर करना है एक्स आई माइनस एक्स बार इट्स स्केयर। इसका स्केयर करेंगे तो 441 484 484 ये हो जाएगा 144 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 64 और 225 256 324 चेक कर लेंगे 18 के साथ 18 की 18 के साथ 15 की 225 256 289 324 ठीक है। अब इसका इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स आई माइनस एक्स बार इट्स स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी इसकी 5 से करनी है थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कर लेना अगर मेरी गलत भी हो जाए तो आप इसको ठीक कर लेना। 5 से करना है ये आया हमारे पास इसकी हमें 8 से करनी है नेक्स्ट इसकी 15 के साथ करनी है इसकी 16 के साथ करनी है दोबारा से देख लेते हैं नेक्स्ट इसकी फिर हमें 6 से करनी है नाइनटी नाइन। अब हम इसका प्लस कर देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इट्स स्क्वायर तो इसको प्लस करोगे 10 0 1 8 8 तो ये हो गए 10 और 10 8 20 0 2 6 7 7 और 9 16 से 6 1 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गया। अब हम इस पर लिख देते हैं यहां पे 6600 डिवाइड बाय एन है हमारा 50 कैंसिल कर देते हैं एक जीरो तो 5 पे कैंसिल करेंगे तो 1 फिर ये 3 आ जाएगा और फिर ये 2 आ जाएगा तो वेरिएंस आ गया हमारे पास 132। अब अगर आपसे एसडी भी पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछे एसडी जिसको हम सिग्मा बोलते हैं ये होता है रूट ऑफ वेरियंस वेरियंस यानी कि रूट ऑफ 132 आप इसको सोल्व कर पाते हैं तो सोल्व कर दे नहीं तो फिर इसको ऐसे ही लिख दे क्योंकि पहले ही काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास ए डाई इज थ्रोन एक डाई को उछाला गया तो व्हेन ए डाई इज थ्रोन व्हेन ए डाई इज थ्रोन टोटल पॉसिबल केसेस That is equal to 6. Sample space में क्या होगा 1 2 3 4 5 and 6 ये sample space में element होंगे। अब
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट फर्स्ट पार्ट, ए प्राइम नंबर विल अपीयर, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है प्राइम नंबर विल अपीयर। प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, अगर इसको सेट ए मान ले तो प्राइम नंबर है 2, 3 और 5। तो यहां पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दोगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। चलो एक बार लिख देते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, किसके फेवरेबल, ए के जो मान है, और ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। अब देखो फेवरेबल केसेस 3 है और टोटल 6 है तो 1/2 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर सेकंड पार्ट की बात करें, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एक नंबर जो ग्रेटर है या 3 के इक्वल है वो आए, तो इसमें इसको अगर ये माने तो इसमें क्या बनेगा, 3 या 3 से ग्रेटर 4, 5 और 6। तो देखो ये आरपी मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, कितने केसेस हुए 4, टोटल कितने हुए 6, तो ये कैंसिल करेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, तो लेस देन 1 या इक्वल टू 1, तो 1 से लेस तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें तो कौन ही आया, एक ही आया बस 1 ही आया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस 1 हुआ, टोटल 6 हुए तो 1/6 आ गया। फोर्थ की अगर हम बात करें, ए नंबर मोर देन, ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, 6 से ग्रेटर नंबर आ ही नहीं सकता, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए, 0, 0/6, उस केस में भी ये 0 ही बनेगा क्योंकि 6 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, 6 से लेस तो 1 से लेकर और 5 तक का कोई सा भी हो सकता है, 6 से लेस है वो 6 के इक्वल नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई सा भी हो सकता है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां पे हमारे पास आ जाएगा 5/6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, सॉरी सेकंड लास्ट है हमारे पास, ये 14, 15 और 16 दो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन रहते हैं यहां पे भी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, यानी कि 2/11 किसकी प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ए की, इसको हम लिख सकते हैं पी ए। क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ए, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी नोट ए की, तो हमें पता है ये हमें कैलकुलेट करनी है, हम लिखेंगे कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ए की प्लस प्रोबेबिलिटी नोट ए की ये कितनी होती है, 1 होती है। अब प्रोबेबिलिटी नोट ए की हमें निकालनी है तो 1 - PA लिख सकते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है 2/11, तो एलसीएम लिया 11 माइनस 2 तो 9/11, तो ये हमारे पास इसका
आंसर आया। किस बात की प्रोबेबिलिटी होगी? नोट ए की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नोट ए भी लिख सकते हो, बार भी लिख सकते हो, बार का मतलब नोट ए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। गिवन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए की है 3/5, प्रोबेबिलिटी बी है 1/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हमें अब देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ए की, प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है 3/5। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी बी की दे रखी है 1/5, 1/5 है ना, हाँ 1/5। और फाइंड करनी है हमें, क्या फाइंड करना है? पी ए और बी, यानी कि पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखेंगे ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/5 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है 1/5, इंटरसेक्शन की नहीं है। अब हमारे पास क्या गिवन है? गिवन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो यहां पे लिख दिया, यहां पे देखो 5 हो गया, ये 3+1 हो गया, तो ये 4/5 हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहां पे हमने चैप्टर 9 से लेके और चैप्टर 16 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हमने सारे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया है। तो आप के लिए अब 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के कवर किए गए हैं। पार्ट 2 वीडियो में ये जो वीडियो था आज का, जिसमें हमने चैप्टर 9 से 16 कवर किया है, और एक वीडियो जिसमें हमने सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अगर आप इन 3 वीडियो की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में जो आपका एग्जाम है उसके हर एक क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके कल के एग्जाम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।